हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं वाई गांव में हूँ। वाई गांव सतारा ज़िले में आता है और जब हम पंचगिनी जाते हैं तो उससे पहले आता है। यहाँ से पंचगिनी 10 किलोमीटर है। तो वाई गांव में एक बड़ा ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है महागणपति मंदिर, जो कि मेरे पीछे है। और ये महागणपति मंदिर कृष्णा नदी के किनारे पर बना हुआ है। देखो आप, इस तरफ में ये कृष्णा नदी है और उसके पास में पीछे ये महागणपति मंदिर है। तो वीडियो की शुरुआत हम वाई गांव के इस महागणपति मंदिर से करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से पंचगनी के लिए। ये यहाँ का पार्किंग है और पार्किंग का चार्ज 30 रुपये है एक गाड़ी का। तो मंदिर के आसपास में प्रसाद की दुकानें बनी हुई है। तो ये महागणपति मंदिर है और इसके पास में शिव जी का भी मंदिर है, लेकिन पहले हम महागणपति मंदिर में दर्शन करेंगे। यहाँ पर जूता स्टैंड है, मैंने जूते दे दिए यहाँ पर। तो गणपति भगवान के हमने दर्शन किए और काफ़ी बड़ी मूर्ति है। बाकी इस मंदिर की क्या कहानी है और इस मंदिर की जो स्टोरी है वो हमें यहाँ के पुजारी बताएंगे। तो हमारे साथ विश्वनाथ जी है, ये यहाँ के पुजारी है। नमस्ते। ये जो मूर्ति है 1762 साल में यहाँ के सरदार थे गणपत भिकाजी रास्ते, इन्होंने ये मूर्ति बनाई थी। ये जो मूर्ति जब बनाई तो दूसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसके बाद की ये मूर्ति है। पूरा सिंगल एक ही पत्थर में बनाई हुई है मूर्ति। मूषक के ऊपर बैठी हुई है। वीर गणेश जी बने, यानी कि क्षत्रिय मूर्ति बनाई है जो कि युद्ध के लिए जा रही है। उसके एक हाथ में पाश है, अंकुश है, और जो उसका बायां हाथ है उसमें उसने अपना दंत लिया है। इस मूर्ति के दोनों दंत नहीं है, एक दंत बोलते हैं, लेकिन इसने अपना दूसरा दंत अपने हाथ में लिया है और वो लेके युद्ध के लिए जा रहा है। ऐसे ही मूर्ति बनाई है, बहुत जागरूक है, भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। तो ये महागणपति मंदिर है जो मैंने आपको बताया। सामने वहाँ पर जो मंदिर दिख रहे हैं आपको दो, वो शिव जी के मंदिर है छोटे, और इस तरफ में ये बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का नाम काशी विश्वेश्वर है और शिव जी का मंदिर है ये। तो यहाँ पर चलते हैं अंदर। तो शिव मंदिर में हमने दर्शन किए और ये भी काफ़ी पुराना और पवित्र मंदिर है। तो इस वक्त मेरे साथ सोमनाथ जी है जो कि शिव मंदिर में पुजारी जी है। तो मंदिर की जानकारी इनसे लेते हैं। ये काशी विश्वेश्वर मंदिर है। अच्छा। ये शिव जी का मंदिर है, पेशवे के मामन ने बनाया है। अच्छा। कब बनाया है? कब? 1757 को बनाया है। 1757। हाँ। अच्छा। एक नागाचं कोड़ा है, जाड़ी है इथे, आणि वो जो नंदी है ना, नंदी। अच्छा। हाँ, नंदी एक ही पत्थर का है। नंदी अच्छा, एक ही पत्थर का है। इसकी कला कौशल्य बहुत सुंदर है। अच्छा। और ये जो वही है वो वही को दक्षिण काशी कहते हैं। दक्षिण काशी कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? काशीला जी देवस्थान है। अच्छा। ती सगळी इथं आहेत। धन्यवाद। तो अभी हम आ गए हैं मेनावली गांव में। जो हमने वाई गांव में गणपति मंदिर देखा था वहाँ से ये 3 से 4 किलोमीटर है और इस मेनावली गांव में है नाना फडणवीस वाड़ा। तो ये नाना फडणवीस वाड़ा है और मेनावली गांव में है। मैंने आपको बताया 1770 में ये वाड़ा बनाया गया था नाना फडणवीस द्वारा, वो यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर इसकी डिटेल दी हुई है, जो ये भवन है, वाड़ा है, वो किस तरह से ये बताया हुआ है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप स्टॉप करके पढ़ लेना।
ये जो दरवाज़ा है इसका नाम है डिंडी दरवाज़ा चौक, तो इसे डिंडी दरवाज़ा चौक कहते हैं और यहाँ से वाड़ा में जाने की एंट्री है। तो मैं अंदर जा रहा था लेकिन मुझे यहाँ पर रोक दिया गया। इन्होंने बताया कि यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग वगैरह होती है तो वो लोग अलाउ करते हैं लेकिन काफ़ी हैवी चार्ज लेते हैं। मूवी वालों को चलता है लेकिन हम लोग छोटे लोग हैं, हमको नहीं चलता है। तो अंदर मैं कैमरा लेकर नहीं जा रहा हूँ, मोबाइल से मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लूँगा तो उससे मैं आपको दिखाऊँगा। वैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर अभी OMG 2 की शूटिंग हुई है, जो अक्षय कुमार की मूवी आने वाली है। तो मैं नाना फडणवीस वाड़ा से बाहर आ गया हूँ। ये जो आप बड़ा सा पेड़ देख रहे हो इसे कहते हैं अफ्रीकन बाओबाब और हिंदी में कहते हैं गोरख चिंच। काफ़ी पुराना पेड़ है ये भी। अभी हम इस तरफ से आगे बढ़ेंगे घाट के लिए। यहाँ पर पीछे मैनवणी घाट है। तो ये मैनवणी घाट है, यहाँ पर दो मंदिर बने हुए हैं, एक विष्णु भगवान का है और एक शिव जी का है। और ये कृष्णा नदी है जहाँ पर ये घाट बना हुआ है। तो ये शिव मंदिर है और इसके पास में यहाँ पर विष्णु मंदिर है। विष्णु मंदिर फिलहाल बंद है, यहाँ पर नहीं जा सकते। शिव मंदिर में दर्शन करते हैं। यहाँ पर शिवलिंग है, काफ़ी अंधेरा है। तो ये पोर्तुगीज घंटा है, काफ़ी पुराना है और काफ़ी बड़ा है। ये जो पोर्तुगीज घंटा है ये चिमाजी अप्पा को वसई बैटल में जीतने पर मिला था। तो ये मैनवणी घाट मैंने आपको बताया और ये बड़ा फेमस है, यहाँ पर कई सारी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई है जिसमें स्वदेश, सिंगम और उसके अलावा रिसेंटली अभी अक्षय कुमार की OMG 2 की शूटिंग हुई है। तो यहाँ पर कई सारी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग होती रहती है। तो अभी हम आ गए हैं पंचगिनी में। पंचगिनी में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये पहला पॉइंट आता है और इसका नाम है हैरिसन्स फॉली। तो ये यहाँ का पॉइंट है। अभी बारिश का समय है तो कीचड़ हो रखा है और इस तरफ में सारी गाड़ियाँ खड़ी है। पार्किंग का 50 रुपया लगता है यहाँ पर फोर व्हीलर का। और ये पॉइंट है। घाट चढ़ने के बाद में हम पंचगिनी में आते हैं। करीब 7 से 8 किलोमीटर का घाट है और ऊपर आने के बाद हमें इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। सामने जो आपको पानी दिख रहा होगा ये एक डैम है और इसका नाम धोम डैम है। हमें वहाँ पर जाना था लेकिन लेट हो रहा था तो हम वहाँ पर गए नहीं। तो यहाँ से ये दिखता है एकदम साफ। तो काफ़ी बढ़िया पॉइंट है ये और आसपास का जो यहाँ से व्यू मिलता है हमें शानदार ऑसम व्यू मिलता है हमें, तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये। हालांकि अभी मॉनसून का समय है इसलिए यहाँ पर थोड़ा कीचड़ हो रखा है, बाकी विंटर के समय में और समर के समय में यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होता है। तो अभी हम आ गए हैं पंचगिनी मार्केट में। ये पंचगिनी का मार्केट है, यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है और इसे छत्रपति शिवाजी महाराज चौक कहते हैं।
और ये यहाँ का मार्केट है। जैसे हम पंचगिनी में एंटर करते हैं ये मार्केट शुरू हो जाता है। तो मैंने जो आपको शिवाजी महाराज सर्कल बताया उसके ठीक पास में यहाँ पर पंचगिनी मेन रोड पर शॉपिंग सेंटर बना हुआ है और यहाँ पर पंचगिनी की फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है नमस्ते रेस्टोरेंट। तो मैंने यहाँ पर खाना ऑर्डर किया है, यहाँ पर खाना फिनिश करेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे पॉइंट के लिए। वैसे जैसे ही हम पंचगिनी में एंटर हुए बारिश ने हमारा जो स्वागत किया है ज़बरदस्त, और अभी भी बारिश चालू है। मुझे एक घंटा हो गया पंचगिनी में एंटर किए हुए। मेरा खाना आ गया है, मैंने आलू पनीर पराठा ऑर्डर किया है जो कि 190 का है, और ये मंचूरियन ड्राई है जो कि 230 रुपये का है, और ये स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम है जो कि 170 का है। ये यहाँ की स्पेशलिटी है महाबलेश्वर और पंचगिनी की स्ट्रॉबेरी की आइटम। तो खाना टेस्ट करके देखते हैं। काफ़ी बढ़िया मंचूरियन और एकदम स्मूथ है और टेस्ट अच्छा है इसका। अभी जो मौसम है बारिश का उसमें वैसे भी चाइनीज़ आइटम कोई भी अच्छी लगती है। तो आलू पनीर पराठा ट्राई करते हैं, इसमें साथ में दही दिया है और ये चटनी दी है ग्रीन चटनी। सही है, बढ़िया। तो आलू पनीर पराठा और मंचूरियन ट्राई ख़त्म कर लिया, पूरा पेट यहाँ तक भर चुका है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है ख़ास करके आलू पनीर पराठे की। तो अभी ये स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम ट्राई करते हैं। ऊपर में यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी है और उसमें क्रीम है मिक्स। लाजवाब सच में, पंचगिनी और महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी की आइटम आप यहाँ पर तो बहुत बढ़िया है, शायद आप कहीं पर भी खाओगे तो अच्छी मिलेगी क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है वो यहाँ की विशेषता है। तो खाना फिनिश हो गया, अभी बिल पे कर लेते हैं। वैसे सब लोग जा चुके हैं क्योंकि 4:30 बज चुके हैं इस वजह से। सर कैसा लगा खाना आपको? खाना बहुत अच्छा था आपका। आलू पनीर पराठा के बारे में बता चाहूँगा कि आमिर खान जब भी पंचगिनी में आते हैं तो उनका फेवरेट पराठा है पुरोहित नमस्ते का आलू पनीर पराठा। और स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम जो आपने लिया वो पंचगिनी महाबलेश्वर का स्पेशल डेजर्ट माना जाता है। हाँ, वो मैंने बताया, मुझे पता है। क्योंकि यहाँ पे फ्रेश बेरीज ग्रो होती है, स्ट्रॉबेरीज ग्रो होती है, तो उसको हम तीन चीज़ों में मिला के देते हैं, विप क्रीम, क्रश आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरीज के साथ उसको हम देते हैं। अच्छा था आपका खाना, बढ़िया था, और स्पेशली जो आपने बताया आमिर खान का फेवरेट, वो आज से मनीष सोलंकी का भी फेवरेट हो गया। तो काफ़ी बढ़िया खाना था और हैवी भी था। वैसे मुझे हैवी नहीं खाना था इसलिए मैंने पराठा और मंचूरियन ड्राई मंगवाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी क्वांटिटी आती है पराठे की। तो काफ़ी बढ़िया था, अभी इनको पे करते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी सिडनी पॉइंट के लिए आया था। सिडनी पॉइंट पंचगिनी का बहुत ही फेमस पॉइंट है, टेबल टॉप के बाद में सिडनी पॉइंट पर ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वीकेंड का टाइम है और छुट्टियां चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा यहां पर भीड़ है। इस तरफ में आप देखो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, और ये जो रास्ता है वो सिंगल रोड है तो इसीलिए ये जो सारी गाड़ियां है वो यहां से रिटर्न हो रही है। मुझे भी यहां से रिटर्न होना पड़ेगा रिवर्स लेकर, और सिडनी पॉइंट हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि अगर हमें सिडनी पॉइंट जाना है तो यहां से गाड़ी बैक लेना पड़ेगा कम से कम 500 मीटर पीछे, वहाँ से फिर हमें पैदल आना पड़ेगा, तो काफ़ी लेट हो जाएगा क्योंकि अभी 5 बज गए हैं। हम फंस गए बीच में, पीछे गाड़ी आ चुकी है इस तरफ में, आगे भी गाड़ी आ रही है देखो आप, तो सभी रिवर्स ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, भीड़ बहुत हो गई है, सारी गाड़ी फंस चुकी है पीछे। अच्छा हुआ हम तो जल्दी से निकल गए। तो अभी हम आ गए हैं टेबल लैंड पर, यहाँ पर पीछे पार्किंग है, गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है। पार्किंग का 30 रुपया लगता है यहाँ पर फोर व्हीलर का। तो ये रास्ता है, हमें यहाँ से आगे बढ़ना है और 300 मीटर आगे बढ़ेंगे उसके बाद में टेबल लैंड हमें दिखेगा। रास्ते के दोनों तरफ में दुकानें हैं जहाँ पर खाना पीना वगैरह और आपको थोड़ा एडवेंचर वगैरह मिल जाता है, गेम्स वगैरह है। अभी वैसे 5:30 बजे हैं लेकिन लगता ऐसा है जैसे 6:30 या 7 बजने वाले हैं
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है बारिश की वजह से। मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा बारिश है आज। ये सारी घोड़ा बग्गी है जो कि अभी बंद है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कीचड़ हो गया है, तो इसीलिए फ़िलहाल घोड़ा बग्गी नहीं चल रही है यहाँ पर। बाकी काफ़ी सारे घोड़े और घोड़े बग्गी चलती है यहाँ पर। तो बारिश की वजह से पानी लग गया, शायद इसी वजह से मेरे माइक ने कहीं कहीं पर अच्छे से काम नहीं किया तो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ये लायन केव है और ये इसका गेट है, यहाँ से हमें नीचे जाना है और नीचे जाने के लिए हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होता है। कुछ इस तरह का रास्ता है नीचे जाने का, बिल्कुल सकड़ा सा रास्ता है, हमें रस्सी के सहारे पकड़ पकड़ कर नीचे उतरना होता है। तो ये लायन केव है जिसे पांडव गुफा भी कहा जाता है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम डेन डाइन है। यहाँ पर ये लिखा हुआ एंट्री फी ईच 15 रुपीज़। तो यहाँ पर टनल है और उसका चार्ज 15 रुपये जो हमने पे कर दिया है। तो अंदर चलते हैं। वैसे यहाँ बताते हैं कि ये जो अंदर की टनल है, जो गुफा है, वहाँ पर अगर हम गर्मियों में आते हैं तो एसी जैसी ठंडक लगती है, बिल्कुल ठंडा रहता है ये। और काफ़ी अंधेरा है, देखो आप, बिल्कुल अंधेरा है। मैं लाइट लगा के चल रहा हूँ तब भी मुझे बहुत कम दिख रहा है। बड़ी सी मूर्ति है शिव जी की और इस तरफ में ये 5 पांडव बताए हुए हैं जिन्हें कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर एक टाइगर है, डुप्लीकेट है, गुफा के अंदर बिठाया हुआ है। और ये सकड़ी सकड़ी गुफा है जहाँ से हमें आगे बढ़ना है। तो हम गुफा से बाहर आ गए हैं। ये रास्ता जाता है टाइगर केव के लिए। लायन केव से करीब 200 मीटर आगे टाइगर केव है। तो काफ़ी बढ़िया रास्ता है, जंगल के अंदर होके ये रास्ता जाता है। तो ये सीढ़ियाँ हैं जिससे चढ़कर हम टाइगर केव तक पहुँच सकते हैं। तो ये टाइगर केव है, यहाँ पर फिलहाल अभी रेस्टोरेंट है डैन डाइन जो कि पिछली केव में था। केव में एंट्री है यहाँ से टाइगर केव की और काफ़ी अंधेरा है। तो टाइगर केव में टाइगर भाई साहब हमें दिख गए हैं, देखो आप, ये भी डुप्लीकेट है, ओरिजिनल होते तो हम यहाँ पर नहीं होते इस वक्त। और ये भी एक गुफा है, यहाँ पर भी एक टाइगर भाई साहब बैठे हुए हैं, देखो ऐसा बिठाया हुआ है जैसे असली हो। दो टाइगर बैठे हैं अंदर, लेकिन चमगादड़ उड़ रही है, वो असली है। तो टाइगर केव से हम बाहर आ गए हैं। ये भी छोटा सा है जैसा वो पांडव केव था उसी तरह से। हम वहाँ से नीचे गए थे लायन केव के लिए और इस तरफ से हम ऊपर आए हैं टाइगर केव में होते हुए। और ये यहाँ बोर्ड लगा हुआ है टाइगर केव। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से टेबल लैंड लेक के लिए। आगे लेक है। वैसे पंचगनी का टेबल लैंड एशिया का सेकंड लार्जेस्ट टेबल लैंड है, काफ़ी बड़ा टेबल लैंड है ये। तो ये लेक है जिसे टेबल लैंड लेक कहते हैं और काफ़ी बड़ी लेक है ये टेबल लैंड पर। पंचगनी में 5 पहाड़ है चारों तरफ और उसके बीच में ये पंचगनी बसा हुआ है, इसीलिए इसे पंचगनी कहते हैं। तो हमें इस तरफ आगे बढ़ना है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो गया है और इस तरह से ये पानी भरा हुआ है सभी जगह पर। ऐसे ऊपर से दिखता नहीं है क्योंकि घास है लेकिन नीचे पूरा कीचड़ है। तो एकदम पीछे की तरफ जाना है, वहाँ पर 5 पांडव के फुटप्रिंट्स है ऐसा बताते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है और समय भी काफ़ी हो गया है तो मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। और हमें यहाँ से अभी आगे बढ़ना होगा, एक पॉइंट बाकी है जिसे पारसी पॉइंट कहते हैं, हम वहाँ चलते हैं। तो कल शाम को मैं पारसी पॉइंट के लिए निकला जरूर था लेकिन अंधेरा हो गया, तो उसके बाद में फिर मैंने वीडियो को आगे नहीं बढ़ाया। तो आज दूसरा दिन है और सुबह के 9:30 बज रहे हैं और ये है पारसी पॉइंट। तो अंदर चलते हैं। तो ये पारसी पॉइंट है और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है इस पॉइंट पर, श्री दत्त मंदिर, दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है ये। तो पारसी पॉइंट हमने देखा, अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और अभी बारिश की शुरुआत हो गई है तो मुझे लग रहा है जैसा वेदर कल था, कल जैसा मौसम था वैसा ही मौसम होने वाला आज भी।
तो हम लोग पारसी पॉइंट से आए हैं इस रोड से, और करीब 5 किलोमीटर में आगे बढ़ा हूँ, और यहाँ पर है मैप्रो गार्डन जो कि पंचगनी और महाबलेश्वर के रोड पर आता है। ये है मैप्रो गार्डन। यहाँ पर वैसे कई सारे सेल्फी जोन है। यहाँ पर ये खाकरा फैक्ट्री है, अगर आपको खाकरा परचेस करना है डायरेक्ट फैक्ट्री से तो आप ले सकते हो। खाकरा फैक्ट्री के ठीक सामने यहाँ पर शॉपिंग एरिया है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो मैप्रो के जो भी प्रोडक्ट है उनकी। तो यहाँ पर फ्री टेस्टर है। तो ये है मोहितो, बढ़िया है। ये 567 का एक बॉटल आता है, ये वाला जो बॉटल देख रहे हो आप, ये वाला। तो यहाँ पर ये ग्रीन एप्पल का सेक्शन है। ग्रीन एप्पल चाहिए आपको? बढ़िया, अच्छा है ये। तो ग्रीन एप्पल भी 567 का बॉटल आता है और ये भी काफ़ी बढ़िया है। मैप्रो के सारे प्रोडक्ट अच्छे आते हैं वैसे। तो यहाँ पर ये स्नैकरी का डिपार्टमेंट है, ये भी ज़रा टेस्ट करते हैं। क्या है ये? तो इस तरह से सारे डिपार्टमेंट यहाँ बने हुए हैं अलग अलग, तो आप टेस्ट करके वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं यहाँ से, और काफ़ी आपको सही रेट में मिलता है क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट्री से सेल होता है। तो यहाँ पर बिलिंग डेस्क है, दो प्रोडक्ट मैंने लिए हैं ये वाले, इसका बिल करवाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 451 हो गया। ओके, थैंक यू। तो ये शॉपिंग एरिया था, हमने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे वहाँ पर रेस्टोरेंट है और इस तरफ में गार्डन बना हुआ है। शॉपिंग करने के बाद जब हम इतना घूमते हैं तो थोड़ी भूख लगती है, तो भूख लगने के बाद हम यहाँ पर आ सकते हैं। ये मैप्रो गार्डन का रेस्टोरेंट है और काफ़ी बड़ा है। तो मैं मैप्रो गार्डन से करीब 5 किलोमीटर आगे आ गया हूँ महाबलेश्वर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। इतनी भीड़ हो गई थी कि मुझे मेरी गाड़ी वहाँ से निकालने में आधा घंटा लग गया। तो ये पंचगनी महाबलेश्वर रोड है और महाबलेश्वर यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है, लेकिन आगे का जो सफ़र है वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो